किसान साथियों नमस्कार। बात करते हैं लहसुन के भाव को लेकर और किसान साथियों लहसुन को निर्यात को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी सटीक अपडेट के द्वारा बताऊंगा, क्योंकि किसान साथियों इस वर्ष लहसुन का जो निर्यात है वो किसान साथियों हो सकता है तो तेजी आने की ज़्यादा संभावना बढ़ती हुई नज़र भी आ सकती है। जैसे किसान साथियों आप इस पर देख पा रहे हैं लिखा गया हुआ है दुनिया भर में लहसुन का जो उत्पादन है किसान साथियों उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। आपको हम बता इस बार लहसुन का जो व्यापार है वो कैसा रहने वाला है। तो किसान साथियों देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लहसुन और आलू के निर्यात हाल ही में अनुमति दे दी है। तो किसान साथियों जो अनुमति है वो दे दी गई है। ऐसे में किसान साथियों लहसुन और आलू के भाव में तेजी आने की जो संभावना है वो बन रही है। देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में लहसुन की खेती की जाती है। निर्यात खुलने से यह किसानों के एक बार अच्छे भाव, किसान साथियों जो किसान की फसल है उसमें अच्छे भाव देखने के ज़्यादा चांस बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों अगर ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा फसल निर्यात होगा तो अच्छी खासी पकड़ आने की जो संभावना है वो बन सकती है। फिर भी किसान साथियों आप अपनी फसल का जो निर्णय है वो अपने ही विवेक के अनुसार लें।